कानपुर जिले के खाटमपुर इलाके में नाव से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलट जाने से कम 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये तीर्थयात्री उन्नाव के बक्सर स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन करके अपने गाँव कोरथा लौट रहे थे, तभी साढ़ थाना क्षेत्र के गौशाला इलाके के पास ये ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी। इस हादसे के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया। वहीं पुलिस भी हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत नजदीकी CHC भेजा गया, जहां 28 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल तीर्थयात्रियों का इलाज जारी है। इस ट्रैक्टर पर कुल 48 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए इस भीषण हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य को युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।